साल के बच्चों को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो बच्चों को वैक्सीन लगाने पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 6 से 12 साल तक के बच्चों को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई जा सकती है, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि इसको माना जा सकता है। कोवैक्सीन को DGCI की अनुमति मिल गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 6 से 12 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, और ऐसे में बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की एक बड़ी कोशिश कोवैक्सीन को DGCI से मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 6 से 12 साल तक के बच्चों को भारत बायोटेक की ये वैक्सीन कोवैक्सीन लगाई जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े जहां बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वहां पर ये खबर कुछ सुकून देने वाली जरूर है। रवि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अब तक 12 साल के ऊपर के बच्चों को तो वैक्सीन तो दी ही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उससे भी कम उम्र के बच्चों को 5-6 साल या उससे ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की अनुमति DCGI की तरफ से दी गई है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यही पहले ही कहा जा रहा था कि जो सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रुप हैं उनको सबसे पहले दी जाएगी, यानी कि बुजुर्गों को, हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद धीरे धीरे कम उम्र के बच्चों को दी जाएगी। अभी 6 साल के लोगों बच्चों को अनुमति मिली है, उसके बाद फिर आने वाले दिनों में और भी तमाम वैक्सीन्स और कंपनियां उन पर काम किया जा रहा है कि उससे भी कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है और जल्द ही वो भी मार्केट में आ सकती है। अभी 6 साल और से 12 साल के बच्चों के लिए अनुमति मिली है, और अब केंद्र सरकार इस पर फैसला करेगी कि कब ये मार्केट में उपलब्ध होगी और कब लोगों को लगाई जाएगी बच्चों को। जी, और बड़ी खबर है, क्योंकि 6 से 12 साल के बच्चों के जो अभिभावक खास तौर पर होंगे उनकी चिंता यहाँ पर दूर जरूर हुई होगी, क्योंकि 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले 12 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, तो ऐसे में बड़ी उपलब्धि भारत की मानी जा सकती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां पर बच्चों की वैक्सीन पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 6 से 12 साल के बच्चों को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई जा सकती है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, और साथ साथ कोवैक्सीन वो वैक्सीन होगी जो कि लगाई जाएगी 6 से 12 साल तक के बच्चों को।